बात ऐसी है कि एक फ्रेज है, एक फूल दो हाफ, कभी कभी आप मजाक में ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दो हाफ है, दो डिप्टी सी एम और एक फूल नहीं है, वो भी डाउटफुल है, मुख्यमंत्री वो कभी भी जा सकते हैं। जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है, कोई ज़रूरत नहीं थी, पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की, फिर भी अजीत पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ MLA भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर ख़त्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, उसका मतलब मुख्यमंत्री डाउटफुल है और बाकी दो हाफ है, एक डाउटफुल दो हाफ, ये सिनेमा महाराष्ट्र में चल रहा है। शरद पवारांचा उत्साह आणि आत्मविश्वास हे पाहून मलासुद्धा एक वेगळा ऊर्जा मिळाली। पवारसाहेबांनी ज्या पद्धतीनं संपूर्ण महाराष्ट्र दौरे करतायत, फिरतायत, जातायत, लोकांना भेटतायत, मी काल बराच वेळ ते पाहत होतो त्यांच्याशी बसून, नक्कीच या सगळ्या घडामोडीची जरी मजा भारतीय जनता पक्ष घेत असला, तरी उद्धव ठाकरे, माननीय शरद पवार, काँग्रेसचे सगळे नेते, राहुल गांधींसह जेव्हा महाराष्ट्रात फिरायला लागतील, तेव्हा ही मजा त्यांची किरकिरी झाल्याशिवाय राहणार नाही। चलो, धन्यवाद। मैंने कहा ना कि उनका मैं आत्मविश्वास और ऊर्जा देख रहा था, और बहुत ही मुझे भी लगा कि पवार साहब जो नेता है, अब जब महाराष्ट्र में जाएंगे लोगों के पास तो उनको जो रिस्पांस मिलेगा, उद्धव ठाकरे साहब को भी इतना ही प्रतिसाद है, पवार साहब को है, राहुल गांधी आएंगे उनको मिलेगा प्रतिसाद।